हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स कैसे हो होप्स ऑफ सब बढ़िया हो गए टूडे आई एम अगेन हेयर विद अ न्यू सेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स डेट आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर टू एग्जामिनेशन दट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एन टी इन जून 2023 एंड फर्दर इन दिसंबर 2023 जैसे कि आपको पता है मैंने सीरीज स्टार्ट की है आई एम कवरिंग ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पेपर टू कॉमर्स के लिए जिनमें से एन ने क्वेश्चन पूछा ही पूछा है और फ्यूचर में भी जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उनके अराउंड ही टॉपिक्स के आएंगे सो उसको मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीरीज को कंडक्ट कर रहा हूँ अब आज के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं सो बिफोर स्टार्टिंग आर टूडे सेशन आई डू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल हम अपनी क्योंकि एब्सोल्यूटली फ्री कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू एट जीरो कॉस्ट सो अपनी फैमिली को ग्रो कर सके सो so, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस देखो ये एक रेपिटेटिव टॉपिक है अगेन ये पहले भी मैंने आपको इस टॉपिक में से बताया कि क्वेश्चन आए अगेन आज आपको मैं इसकी कुछ स्टेजेस को डिटेल में समझाने जा रहा हूं देखो जो आपका ग्रुप डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना इसमें मल्टीपल स्टेजेस होती हैं सबसे पहले जो इसमें स्टेज आती वो है वो आती है फॉर्मिंग की फॉर्मिंग की जो स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें जो मेंबर्स हैं वो मॉडरेटली ईगर होते हैं उनकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो एंशंस होते हैं अबाउट वाई दे आर देयर यानी उनको ये जानने के अंदर इच्छा होती वो है वो क्यों है यहाँ पे एंड हु अदर मेंबर यानी उनके अलावा और कौन मेंबर्स है जो उसमें सेकेंड स्टेज आती है वो आती है स्टॉमिंग की यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे राइज होने स्टार्ट हो जाते हैं अब राइज होने का कारण क्या है डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं ओपिनियन में जितने भी मेंबर्स हैं उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट हमारी जो स्टेज आती है वो आती है नॉमिन की डैट इज द थर्ड स्टेज यहाँ पे जो मेंबर्स है वो वो स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस को जो उनकी पिछली स्टेज में डिफरेंसेस राइज हुए थे उनको रिजोल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं वो क्लैरिफाई करते हैं पर्पज़ क्या है ग्रुप को बनाने का और हर मेंबर जो ग्रुप का है उसका इंडिविजुअल रोल क्या है फोर्थ जिस स्टेज आती है वो है परफॉर्मिंग की इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो हाईली टास्क ओरिएंटेड होते हैं और ग्रुप में पूरी यूनिटी होती है लास्ट जो फाइनल स्टेज है वो है एडजोनिंग की इसमें क्या है पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट को रिकोगनाइज किया जाता है यानी अगर कोई ग्रुप मेंबर अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है कुछ अचीव कर रहा है उसको प्रॉपर रिकोग्नीशन दी जाती है सो इस पर यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं अब मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं यानी जो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं उनको जब रजिस्ट्रेशन करवानी होती है तो तब उनको ना एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है अब वो प्रोसेस को स्टडी करें क्योंकि इस प्रोसेस में से क्वेश्चन आया होता है पेपर्स में प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर्स हैं उनमें इसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्लॉट किए हैं एन ने देखो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें जो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्रायर अप्रूवल ऑफ सैबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से पोर्टफोलियो मैनेजर को अप्रूवल लेना पड़ेगा यानी जो एप्लीकेंट है उसे अप्रूवल प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सैबी से अपने रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर अप्रूवल आने के बाद उसे पेमेंट करनी पड़ेगी फी की जितनी प्रिस्क्राइब की है सैबी के द्वारा पेमेंट करने के बाद उसको एडिकुट स्टेप को करना पड़ेगा एडिक्यूट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे फॉर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंसिज यानी जितनी भी नेसेसरी स्टेप्स हैं जितने भी एडिक्यूट स्टेप हैं इन्वेस्टर की ग्रीवियंसिस का रिड्रेसल करने के लिए उनको सॉल्व करने के लिए उन्हें उसको कर जो पोर्टफोलियो मैनेजर एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है उसे इनको एड्रेस करना पड़ेगा और सेम चीज एस को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी नेक्स्ट इसमें जो स्टेप आता है वो आता है मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट अब जो एप्लीकेंट है जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है एज पोर्टफोलियो मैनेजर उसे मेंटेन करना पड़ेगा कि मिनिमम नेटवर्क जिसको स्पेसिफाई करेगा एस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए कंप्लाई करने पड़ेगा रिगार्डिंग दी रेगुलेशन जो भी इस फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स बनाएंगे टाइम टू टाइम नेक्स्ट हम अपने next में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगेन एक रेपिटेटिव क्वेश्चन है न, इस टॉपिक से बहुत बार एंटीगे ने क्वेश्चन प्लॉट किया है अब हम पूरे कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कह लो या कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस कह लो उसकी स्टेजेस को करने जाने देखो जो सबसे पहले बाइंग प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्टेज आती है वो आती है प्रॉब्लम रिकोग्निशन की देखो इसके साथ मैंने इस में मैंने इसमें एक ना एग्जाम्पल को अटैच किया जो एज इट इज पेपर में आई थी क्वेश्चन में देखो सबसे पहले प्रॉब्लम रिकोग्निशन का मतलब होता है देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखेगी तभी आपकी वो नीड में तब्दील होगी तब तभी आप वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा परचेज करोगे सो देखो इसमें एक लड़की थी दिव्या जो बिलोंग करती थी एक, एक एग्जेक्यूटिव ग्रुप में एंड उसके जितने भी कोलिग्स के उनके पास सबके पास अपने वहीकल्स से सो उसे भी दिव्या को भी लगा अब उसको जरूरत है अपनी खुद की काय बार करने की

और उसने फाइंड आउट किया कि उसके बजट और प्रेफरेंस को कौन सी कार सूट करती है नेक्स्ट जो इसमें स्टेप आता है वो आता है इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव अब आपने पिछले स्टेप में इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया अब आपको पता है आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिवस अवेलेबल हैं। अब उनकी इवेल्यूशन इस स्टेप में की जाती है इसको अगेन एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करते हैं तब दिव्या को क्या जरूरत है उसने ये फील किया कि जो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी होनी चाहिए कार की वही उसके लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर है अपने चॉइस को बनाने के लिए सो उसने इवन उसने एक उसे एक स्पेसिफिक कलर और शोरूम डिलीवरी भी चाहिए तो वो भी उसने अच्छे से सर्च ऑन किया ताकि उसको डिलीवरी के टाइम पे वेट ना करना पड़े सो so, ये होता है स्टेप अंडर द दुएशन ऑफ अल्टरनेटिव नेक्स्ट जो स्टेप आता है परचेज डिसीजन देखो हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया हमने अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर लिया हमने डिफरेंट जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनको इवेल्युएट भी कर लिया लास्ट में अब हम सेकेंड लास्ट में अब हम परचेज डिसीजन लेते हैं अब इसको अगेन एग्जाम्पल के का कोरिलेट करते हैं जो पेपर में आए थे वो है अब दिव्या ने क्या उसने अपने नैरो डाउन कर लिया अपने क्राइटेरिया को टू अ डार्क ग्रे कार

अब इसको डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं देखो अब दिव्या क्या इवेल्यूएट करेगी वो इवेल्यूएट करेगी अपनी सेटिस्फेक्शन को उस कार को यूज करने से और उसकी फीडबैक को शेयर करेगी देखो जब आपने प्रोडक्ट पूरा इंटायर थॉरली पूरे स्टेजेस और प्रोसेस को फॉलो करके परचेज कर लिया लास्ट में हम होते हैं हम उसे वे फीडबैक देते हैं हम अपना पोस्ट परचेज बिहेवियर डिसाइड ऑन करते हैं जो हमें बताता है कि हम उस प्रोडक्ट की परचेज सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है सो यहाँ पे बाइंग प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खत्म होता है सो so, नाउ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स से मूव ऑन करने के लिए रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ हु आर वाचिंग माय सेशंस एंड फाइंड इट वेरी यूजफुल आप चाहे वेरीफाई कर सकते हो आप कोई भी ईयर का, का पेपर टू सब्जेक्ट आपको मेरे सेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल ही जाएंगे जिनमें से क्वेश्चन आया है सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन कर रहे हैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ रिलेटेड टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी और डेफर टैक्स एसेट जिनमें से पेपर आया वो ट्रू है या फॉल्स है देखो जो डेफर टैक्स लाइबिलिटीज हैं ये अमाउंट वो बेसिकली ब्रेक ये नेट है यानी डेफर टैक्स लाइबिलिटीज ये अमाउंट ऑफ टैक्स है जो हम करते हैं ऑन टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम देखो जब आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में कोई आ जाता है आपकी टैक्सेबल इनकम इसका मतलब क्या है? जो आपकी कंपनी या वो हायर प्रॉफिट्स को रिपोर्ट कर टैक्स है जितना उन्होंने अपनी रिटर्न में फाइल किया प्रॉफिट उससे ज्यादा वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कर के एंड उनको एक हाई टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर में व्हेन टेंपरेरी डिफरेंसेस रिवर्स जब ये टेंपरेरी डिफरेंस रिवर्स होंगे सो so, ये बेसिकली एक ट्रू स्टेटमेंट है एब्सोल्यूटली करेक्ट स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट पेपर में पूछी गई थी उन्होंने आपको बताया था वो ये ये डेफर टैक्स लायबिलिटीज होते हैं अब इनको स्टेटमेंट्स को और थोड़ी गहराई में देखते हैं जो पेपर में एग्जैक्ट आई थी

यानी आपकी अकाउंटिंग इनकम और आपकी रिपोर्टिंग इनकम है उनको ये अकाउंटिंग एंट्रीज रिप्रेजेंट करती है एंड इवन बेसिकली बिटवीन द टैक्स बेसिस ऑन एसेट और लाइब्रेट एंड इट कैरिंग अमाउंट ऑन दी बैलेंस शीट और जो आपका कैरिंग अमाउंट है बैलेंस शीट का उसकी उसको भी ये रिफ्लेक्ट ऑन करती है इवन नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं जो डेफर टैक्स एसेट और लाइब्रेटी ये क्रिएट क्यों होती है क्योंकि टेम्पररी डिफरेंसेस आ जाते हैं बिटवीन बुक

नेक्स्ट हमारा आप जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू एम आई आर आर जिसे हम कह देते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी एम आई आर आर देखो जो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है अब ये री इन्वेस्टमेंट एजम्सन पे बेस्ड है ये क्या ज्यूम करते हैं जो कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं प्रोजेक्ट के उनको री इन्वेस्ट किया जाता है एट डिफरेंट रेट 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 देन प्रोजेक्ट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सिंपल ये जो पे बेस्ड है ये ये कह रहे हैं हैं जितने भी आपके आपके कैश फ्लोस प्रोजेक्ट के उनको आप डिफरेंट रेट्स पे री इन्वेस्ट करोगे एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अब जो है, ये एम आई आर आर ये ज्यादा रियलिस्टिक मैर है प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी की रेदर देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि ये एज्यूम क्या करते हैं कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करना देखो ये बेटर क्यों है करते हैं कि से क्योंकि कैश फ्लोस है उनको री करो सेम रेट पे एस आईआरआर इस अगर इसमें एक नेक्स्ट और मैं आपको एक स्टेटमेंट बताने जा रहा देखो जो मैंने आपको अगेन पहले भी एक टॉपिक करवाया था ये समवर्ड रिलेटेड है आपस में वैल्यू एडिवटेड प्रिंसिपल है वो एनपीवी में एप्लीकेबल होता है अब ये क्या कहता है जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और एसेट की वो इक्वल होगी आपकी जो सम ऑफ समी है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की और एसेट की सिंपल कहना वो क्या जाते हैं जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मान लो अगर आपके पास पांच प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपके पास इंडिपेंडेंट नेट प्रेजेंट वैल्यूज हैं अब आप उनको इंडिपेंडेंटली पांचों को प्लस कर दो उसका अमाउंट बराबर यानी टोटल बराबर आएगा अगर आप पांचों प्रोजेक्ट्स के एनपीवी इकट्ठी कैलकुलेट करते हो so सो ये तो था वैल्यू एडिविटी प्रिंसिपल ऑलरेडी मैंने पहले भी इसको करवाया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनमें से पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं देखो इसका मतलब क्या जो वैल्यू है फॉर्म की वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द वे इट इज फाइनेंस और दी प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन यानी जो आपकी फर्म की वैल्यू उसका कोई लेना देना नहीं है आपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से फाइनेंस किया या किस तरीके से उसको अंडरटेक किया एज लॉन्ग एज दे हैव पॉजिटिव एनपीसी बस इसकी एक कंडीशन है ये चीज तब तक एप्लीकेबल रहेगी तब जब तक आपके प्रोजेक्ट्स की एनपीसी जो नेट प्रेजेंट वैल्यूज है पॉजिटिव फिगर्स आ रही हैं नेक्स्ट अब जो हम स्टेटमेंट पे जा रहे हैं स्टेटमेंट रिलेटेड टू डेलीगेशन देखो जो डेलीगेशन है ये एक इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शन जो बिहेवियरल एनालिसिस पे बेस्ड होती है अब ये इन्वॉल्व क्या करती है इसमें क्या होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर किया जाता है सुपीरियर से स्कोर्डिनेट से बट रिटेन किया जा क्या जाता है अकाउंटेबिलिटी को रिटेन किया जाता है अब इसमें कुछ चीजों की जरूरत है इट रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ बोथ द डेलीगेटर एंड द एंडिगेटिव इस डेलीगेशन करने से पहले आपको दोनों डेलीगेटर और डेलीगेटर का बिहेवियर पता होना चाहिए जैसे उनकी मोटिवेशन कैसी है स्किल्स क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है फीडबैक क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब देखो एक तो स्टेटमेंट आई थी पेपर में वो क्या था वो कह रहे हैं जो डेलीगेशन है वो एक एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है जो इन जो दैट नीड्स इंकरेजमेंट एंड री जिसको इंकरेजमेंट और री की जरूरत है एप्सोल्यूटली हंड्रेड परसेंट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू उन्होंने दो स्टेटमेंट दी थी उन्होंने आपको पूछा था इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स ये एब्सोल्युटली जैसे मैंने आपको लाइन टू लाइन बोल गया ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है देखो जो डेलीगेशन है वो कोई वन टाइम इवेंट नहीं है ये एक प्रोसेस है जो इवॉल्व होता है ओवर टाइम एंड ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाता है बिटवीन द डेलीगेटर एंड द डेलीगेट जैसे उनका इन शॉर्ट सिंपल में कहना उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एज अ टाइम जैसे पास होता है वो ग्रो होता है एक दूसरे का अब जो ये है इट नीड इनकरेजमेंट एंड इनफोर्समेंट फ्रॉम बहुत आपने effective performance और mutual learning करनी है, तो आपको इंकरेजमेंट और इनफोर्समेंट दोनों से, से भी, और से भी चाहिए नेक्स्ट इसमें ना इन नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेटेड टॉपिक है जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आया स्टेटमेंट आई थी उन्होंने क्या था ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट्स विल नॉट सेल इन रूरल इंडिया यानी इस स्टेटमेंट को बस मतलब एज इट इज नहीं आई थी आप इस मेरे जो मैं बताना चाहता हूँ उसको समझो देखो जरूरी नहीं होता कि रूरल जो मार्केट आई इंडिया में जितनी भी रूरल मार्केट है उसमें हमेशा लो प्राइस प्रोडक्ट्स ही सेल हो अब जो रूरल कंज्यूमर था वो मानते हैं ठीक है वो प्राइस सेंसिटिव है बट वो वैल्यू कॉन्शियस भी हैं उनको वैल्यू चाहिए उनको क्वालिटी चाहिए उनको ड्यूरेबिलिटी चाहिए उनको यूटिलिटी चाहिए उनको कन्वीनियंस चाहिए अब जो ये ये चीज़ें इन्फ्लुएंस वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल और कल्चरल फैक्टर्स से जैसे वर्ड ऑफ माउथ से रूरल पीपल इन्फ्लुएंस होते हैं ओपिनियन लीडर के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हैं फेस्टिवल से इन्फ्लुएंस होते हैं जो सो मार्केटर है उनको इनमें अप्रोप्रेट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर उन्होंने रूरल मार्केट के सेगमेंट्स की नीड्स को फुलफिल करना है और उस मार्केट को सूट करना है अब देखो जो रूरल कंज्यूमर्स है वो एक होमोजीनियस लॉट नहीं है क्योंकि जो वो है वो वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इनकम एजुकेशन ऑक्युपेशन लाइफ स्टाइल प्रेफरेंसिस अवेयरनेस इवन वो उनमें डिफरेंसिस हैंस रीजन स्टेट्स डिस्ट्रिक्स एंड विलेजेस अब जो मार्केटर्स है दे नीड टू सेगमेंट द रूरल मार्केट एंड डिजाइन कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेज जो आपके मार्केट मार्केटर्स हैं अगर उन्होंने रूरल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल ऑन करना है तो उन्हें रूरल मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा उसको उनको अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा अच्छे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ेंगे अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है इवन उनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है वो अपील करनी चाहिए डिफरेंस डाइवर्स रूरल कंज्यूमर्स को सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करता है यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आई टी आर वन का अगेन देखो मैंने आपको वन टू सेवन आई टी आर करवाए थे अब आई टी आर वन जिसका फॉर्म है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता कुछ और आपको डिटेल बताता हूं देखो जो आई टी आर हैं है वो कोई statement, आप याद रखो जिसके total income 50 लाख नहीं बंदा आई टी आर वन के फॉर्म को जिसका नाम सहज फॉर्म है उसको यूज कर सकता है जो ये फॉर्म है ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास इनकम सैलरी से हो रही है एक हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है या कोई अदर सोर्स से हो रही है एक्सेप्ट लॉटरी एंड इवन जो एग्रीकल्चर इनकम है है अप टू उसके लिए ये फॉर्म को यूज किया जा सकता है। अब जो ITR1 है जो सहज फॉर्म है इसे कोई इंडिविजुअल जो कि किसी कंपनी का डायरेक्टर है वो नहीं यूज कर सकता क्योंकि जो इंडिविजुअल है उसे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी डिटेल अपनी डायरेक्टरशिप की अपने शेयर होल्डर की जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है So, वो चीजें जो वो उन चीजों के डिटेल है वो आई टी आर वन फॉर्म नहीं कवर करता सो so, इंडिविजुअल को उसके लिए या तो आई टी आर टू यूज करना पड़ेगा या तो आई टी आर थ्री यूज करने पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन हिज सोर्स ऑफ इनकम सो यहां पर हमारा यह भी टॉपिक कंप्लीट होता है नेक्स्ट हम कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स या ट्रेड डील्स या ट्रेडिंग पॉइंट्स कह सकते हैं उनको स्टडिंग करने जा रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है देखो सबसे पहले मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको यू एस एम सी ए जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कैनेडा एग्रीमेंट अब जो आपका यू एस एम सी है ये एक न्यू ट्रेड डील है जिसने रिप्लेस किया था नेफ्टा एन ई एफ टी ए को जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी से अब इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी ये यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कैनेडा एग्रीमेंट है जो कवर करता है डिफरेंट एक्सपेक्ट्स ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अमंग थ्री कंट्रीज सच एज अब जो ये आपके एस्पेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं आपके रूल्स ऑफ ओरिजन हो गए लेबर स्टैंडर्ड्स हो गए इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन हो गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए या डिजिटल ट्रेड हो गया नेक्स्ट हमारे पास आता है द क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज अब ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग था यूनाइटेड स्टेट्स जापान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये कोई ट्रेड ट्रेडेंटिटी नहीं था इसने ना तो कभी नाफ्टा को रिप्लेस किया नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस देखो ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस था जो कंप्राइज किस किस कंट्री को करता था चाइना हो गया रशिया इंडिया पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान एंड अब ये भी कोई ट्रेड एंटिटी नहीं था इसने भी नेफ्टा को नहीं ने रिप्लेस किया नेक्स्ट जो हमारे पास आता वो है ट्रांस एटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन देखो जो ट्रांस ट्रांस एटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ये कोई स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है ये तो एक जनरल टर्म है जिसका क्या मतलब है रिलेशन है जो बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका अब ये भी कोई ट्रेड एंटिटी नहीं थी ना इसने नेफ्टा को रिप्लेस किया था अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करने से पहले अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल दो स्टूडेंट हुर वॉचिंग माई वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ता हम अपनी छोटी सी फैमिली को ग्रो कर पाए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अमेल्गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट देखो जो ये अमेल्गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है ये एक ऐसा अकाउंट है इसको तब यूज किया जाता है वैन देर इज नो एडजस्टमेंट अकाउंट अब कोई आपके पास एडजस्टमेंट अकाउंट अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन जो हो रही है, के पे दो फॉर लीगल कंप्लाइंस जो ये, है ये एक है, जो कहा इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सैचुर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टू शेयर होल्डर्स नहीं अवेलेबल है अब जो ये स्ट्रेचुरी रिजर्व है इनमें क्या क्या आता है इनमें आपका डेवलपमेंट रिबेड रिजर्व हो सकता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो सकता है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हो सकता है अब जो ये रिजर्व से ये किया है ये ट्रांसफर किए जाते हैं टू ट्रांसफर अलॉन्ग द ट्रांसफर कंपनी जो कंपनी हमने एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर उनके अलॉन्ग विद ये स्ट्रेचुरी रिजर्व को ट्रांसफर किया जाता है बट इनको हम एज अ रिजर्व बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते इन इंडिया ट्रांसफरी कंपनी इंस्टैंड इनको रिकॉर्ड किया जाता है हम एडजस्टमेंट अकाउंट में जिसको हम एज डिडक्शन शो करते हैं फ्रॉम अब इसमें से अगर आपको पास वो क्या कि देखो कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व ये ट्रांसफरी कंपनी में नहीं रिकॉर्ड किए जाते क्योंकि जो कैपिटल रिजर्व है ये वो रिजर्व है जो अराइज होगा कैपिटल प्रॉफिट से अब कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसिड होगा आपका प्रीमियम शेयर्स को इश्यू करने के लिए और डिबेंचर्स को या आपका कोई जनरल रिजर्व है वो हो तब होगा जब आपको रेवेन्यू प्रॉफिट हो रहा है जैसे कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इंटरेस्ट इनकम होगी डिविडेंड इनकम होगी यहां एक टॉपिक कंप्लीट होता है

ये इवन इसमें लिस्टेड जितने भी पब्लिक सेक्टर वो भी थे। अब जो ये था हुज डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के ये तो उसको कोई मैंडेटरी कंपल्शन नहीं है कि उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है सो so, इवन उनकी अगर टर्नओवर है जो एक पचास करोड़ को नहीं एक्सीड करती तो भी उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उनको ये फ्लो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे जो ऐसे एंटरप्राइजेज ये तो जस्ट क्या कर रहे हैं जितने अगर उन्होंने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है वो वॉल्ट्री अपनी चीजों को डिस्क्लोज कर सकते हैं इवन जो ये ये स्टैंडर्ड था था मैंडेटरी नहीं बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्योंकि उनको तो जो रिक्वायरमेंट थी उनको तो अपने फॉलो डिफरेंट फॉर्मेट कैश फ्लो का स्टेटमेंट का करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू दे रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो यहां पे ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं दैट इज सी ए मैथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यानी करंट कॉस्ट अकाउंटिंग देखो जो ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है ये जो ये मेथड है ये वैल्यू करता है एसेट्स को उनके फेयर मार्केट वैल्यू पे रेदर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है जो हमने प्राइस इनकर किया होता है या पे किया होता है एक एसेट को परचेज करने के लिए So, ये इवन ये रीस्टेट करता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को करंट वैल्यूज पे इन शॉर्ट सिंपल वो क्या कहना है ये मेथड में जितनी भी वैल्यूएशन होती है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे होती है इवन जो ये मेथड था ये रिजल्ट कैसे हुआ था ड्यू टू द रिकमेंडेशन ऑफ सेंडीलैंड कमेटी अब जो ये कमेटी थी इसे अपॉइंट किया गया था यूके गवर्नमेंट ने यानी यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने इन 1974 सेवेंटी फोर एग्जामिन करने के लिए इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टैक्सेशन पे अब जो ये कमिटी थी इसने ईयर 1975 में अपनी रिपोर्ट को इश्यू किया था और सजेस्ट किया था कि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया जाए ऐसा सप्लीमेंट टू तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग नेक्स्ट so, हमारा जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है प्राइसिंग मेथड अगेन रेपिटेटिव टॉपिक है बहुत बार क्वेश्चन आया सो so, इसको अब और डिटेल में इसके हम जाते हैं देखो कुछ आपको मेथड्स बताने जा रहा हूं देखो सबसे पहले आता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग अब ये वो प्राइजिंग मेथड है जो प्राइस प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस जो सेट करता है वो दैट विल बी इक्वल एंड टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है ये होती है अडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट अब जो ये मेथड इसका एम क्या है कवर करना वेरिएबल कॉस्ट को और कॉन्ट्रीब्यूट करना टू द फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म ईवन जो ये है ऑफन यूज जब इसको इसका यूज सब ज्यादा किया जाता है जब डिमांड है वो स्लैप होगी जो आपके मार्केट है कॉम्पिटिटिव होगी और इवन ये फर्म्स को अलाउ करता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एट लो प्राइस एंड अट्रैक्ट करने के लिए मोर कस्टमर्स नेक्स्ट मेरे ने पास जो आता है वो है पेनीटेटरिंग प्राइजिंग जो कि एक प्राइजिंग मेथड है जो न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइजर जो सेट करता है लोअर देन इट्स कॉम्पिटिटर अब ये क्यों किया जाता है इन ऑर्डर टू गेन मार्केट शेयर एंड कस्टमर की लॉयल्टी लेने के लिए इसको ऑफरली यूज किया जाता है न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए और न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या अवेयरनेस और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अमंग पोटेंशियल कस्टमर्स नेक्स्ट हमारे पास आती है पीक लोड प्राइजिंग जो कि प्राइजिंग मेथड है जो प्रोडक्ट का और सर्विस का प्राइस सेट करता है हायर ड्यूरिंग द हाई डिमांड और लोअर ड्यूरिंग द लोअर डिमांड इसको ऑफनली यूज़ किया जाता है उन प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जिनकी डिमांड जो है फ्लक्चुएटिंग है बट जो सप्लाई है वो फिक्सड है अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दू तो माइ लाइक इलेक्ट्रिसिटी होगा ट्रांसपोर्टेशन होगा ये हेल्प करता है बैलेंस करने में डिमांड और सप्लाई में और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए लास्ट जो हमारे पास मैथड आता है वो है स्कीमिंग प्राइजेस इनको तो मैं देखो पेनिट्रेशन और स्कीमिंग तो मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं जो स्कीमिंग है ये प्राइस सेट करती है न्यू प्रोडक्ट और सर्विस का हायर देन इट्स कॉम्पिटिटर अब ये क्यों किया जाता है इन ऑर्डर टू रिकवर द डेवलपमेंट कॉस्ट और हाई प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए ये ज्यादातर इनोवेटिव यूनिक और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ के लिए की जाता है जिनकी जो डिमांड है वो हाई है और जो कंपटीशन है वो लो है सच एस टेक्नोलॉजी हो गई लग्जरी गुड्स हो गए इवन ये हेल्प करता है इमेज को क्रिएट करने के लिए एक्सक्लूसिविटी एंड इवन क्वालिटी को अमंग कस्टमर्स सो so यहां पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है अब हम आ नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं कुछ थ्योरीज बताने जा रहा हूं मैं आपको जिनमें से पेपर में से क्वेश्चन प्लॉट हुआ ही हुआ है सबसे पहले आती है जे कव थ्यूरी देखो जो ये जे कव थ्यूरी है ये एक्सप्लेन करती है अफेक्ट ऑफ डिवेल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि अगर आपके करेंसी की डिवेल्यूएशन हो रही है उसका क्या अफेक्ट पड़ता है बैलेंस ऑफ ट्रेड पे ये स्टेट करती है कि जो डिवेल्युएशन है वो इनिशियली वर्स करते हमें वर्स करती गया खराब करती है ट्रेड बैलेंस को क्योंकि जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाते हैं जिससे क्या होता है हायर इम्पोर्ट बिल होता है और एक्सपोर्ट रेवेन्यू रिड्यूस हो जाता है बट ओवर द टाइम जो ट्रेड बैलेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है और जो डिमांड है इंपोर्ट्स की और एक्सपोर्ट की वो एडजस्ट कर जाती है न्यू रेलिटिव के अकॉर्डिंग जिससे क्या होगा जो इंपोर्ट वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगी और जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट मेरे पास जो आती है वो है फिलिप्स कर्व थ्योरी देखो ये वो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है इनवर्स रिलेशनशिप इन्फ्लेशन और अनुप्लॉयमेंट के बीच यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपस का रिलेशन है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इनवर्स है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होगा अब जो ये थ्योरी है ये स्टेट कर दिया कि जो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट है वो एसोसिएट करती है हायर इन्फ्लेशन के साथ और वाइस वर्सा और इवन जो चेंजेस है डिमांड में वो अफेक्ट करते हैं प्राइस लेवल को भी और आउटपुट को भी नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है मुंडेल टॉबिन हाइपोथीसिस अब जो ये हाइपोथीसिस है ये एक्सप्लेन करते हैं इन्फ्लेशन का अफेक्ट जो पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट्स पे और मनी की डिमांड पे ये थ्योरी स्टेट करती है कि जो हायर इन्फ्लेशन है वो हायर नॉमिनल इंटरेस्ट का मेन कारण है और लोअर रियल इंटरेस्ट रेट्स का भी पीपल हायर रिटर्न्स ऑन मनी होल्डिंग ये रिड्यूस करती है अपॉर्चुनिटीज को मनी को होल्ड करने की और मनी की डिमांड को इंक्रीज करता है नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी थु, आती वो है के कर्व थ्योरी ये वो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज का अफेक्ट इनकम इनइक्वालिटी पे इस थ्योरी के मुताबिक जो कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जैसे कि टैक्स कट्स होगी या डी रेगुलेशन होगी जो बेनिफिट करती हैं रिच को ज़्यादा एज कंपेयर टू पुअर जिससे क्या होगा उनके बीच जो गैप है टू ग्रुप्स के बीच वाइड हो जाता है और जो ये है इसका जो नेम है के कर्व दैट कम्स फ्रॉम शेप ऑफ द कर्व दैट प्लॉट्स

इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकूं तो जाऊं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने जी को अचीव कर पाओ विद एक्सीलेंट नंबर्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टाइल डेविएशन का देखो जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये एक डिस्पर्शन की बैरियर है जो किस पे बेस्ड है डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वारा सेट है उसका आप quartal, Q3, और फर्स्ट क्वार्टाइल Q3 से Q1 वन माइनस कर दोगे वो आपकी क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगी इसको ही हम समी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं इवन अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बताऊं दैट विल बी क्यू थ्री माइनस क्यू वन होल डिवाइडेड बाई टू नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास आता है वो है क्वार्टाइल कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्शन अब जो ये है ये एक मेजर है रिलेटिव डिस्पर्शन की जो किस पे बेस्ड है रेशियो ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन टू एवरेज ऑफ क्यों थ्री एंड क्यू वन इसको हम रिलेटिव क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं इसका क्या फॉर्मूला है जब हम थर्ड क्वार्टाइल क्वार्टल थ्री माइनस केव वन को डिवाइड कर दे क्यू थ्री प्लस क्यू वन पे अब आज के सेशन का हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांजेक्शनल लीडरशिप इसके बाद में आज का सेशन वाइंड अप कर दूंगा कल फिर मिलेंगे न्यू सेशन के साथ सो so, आप लास्ट जो टॉपिक है उसको स्टडी करते हैं देखो जो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप है ये लीडरशिप का स्टाइल है जिसका मेन फोकस है ऑर्डर पे स्ट्रक्चर पे और गोल ओरिएंटेड प्लानिंग पे अब जो ट्रांजेक्शनल लीडर है वो डायरेक्टली टीम को बताते हैं व्हाट टू डू एंड मोटिवेट उनको मोटिवेट करते हैं रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के साथ जो ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप का ये प्रोडरटाइज करता है स्टेटस क्यू को रेदर देन चैलेंजिंग इट अब जो ये ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं ये ज्यादा कंसर्ड होते हैं रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस के साथ एज अ टीम मतलब जो परफॉर्मेंस होगी एज अ टीम एज अ होल होगी रैदर देन नीड्स और प्रेफरेंसिस ईच टीम मेंबर की ट्रांजेक्शनल लीडर्स का एक अकेले अकेले टीम मेंबर की नीड और प्रेफरेंस है कोई लेना देना नहीं है इवन ये नहीं फॉस्टर करते पर्सनल रिलेशनशिप को विद देयर फॉलोअर्स ये वन जो म्यूचुअल एक्सचेंज पे बेस्ड है उसको फॉस्टर करते हैं ट्रांजेक्शनल लीडर्स हैं जो एबडिएट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और डिसीजन मेकिंग को अवॉइड करते हैं जब उन्होंने एंटायरली लजीज फेयर स्टाइल को अडॉप्ट किया हुआ है इसका क्या मतलब है देर आर हैंड्स ऑफ ओनली स्टैंडर्ड्स आर नॉट इंटरविन प्रॉब्लम्स है जब तक आपका स्टैंडर्ड मीट नहीं हुआ या आपको प्रॉब्लम नहीं राइज होती लीडर्स आपने उसमें इंटरफेयर वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करते अब जो लीडर्स है ये तब ही इंटरवेन करेंगे जब आपके स्टैंडर्ड्स नहीं मेट हो रहे ये आपका वर्क है जो आपकी टीम का उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे अगर कोई डेविएशन और एरर राइज हो रहा है उसको करेक्ट कर देंगे अब जो ये है ये एज अ टीम पूरी टीम को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे अब उनको गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन लीडर्स है ये क्या करते हैं ये एक्सचेंज करते हैं रिवॉर्ड्स फॉर एफर्ट्स ये ऐसा सिस्टम यूज करते हैं इंसेंटिव और डिस का जो मोटिवेट करेगा टीम को कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे जो ये है ये रिवॉर्ड करेंगे टीम को अगर उन्होंने डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव कर लिया एंड उनको परिश करेंगे अगर वो फेल होगी डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव करने के लिए सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है होप सो आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने हंड्रेड परसेंट टॉपिक्स को कवर किया है इन डिटेल इन दैट जिसमें से एंटीएने क्वेश्चन पूछा ही पूछा है और 101% चांस है जो जून 2023 या फर्दर दिसंबर 2023 या उससे आगे जो पेपर्स होंगे इन टॉपिक्स को जरूर एंटीए टच करेगा सो so, यहाँ पे अगेन बिफोर क्लोजिंग माई टुडे सेशन आई एम और आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ताजो मुझे मोटिवेशन मिल सके मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं सो so, गुड इवनिंग हैव अ गुड डे अहेड मिलते हैं कल विद न्यू क्लास एंड न्यू सेशन